गाजियाबाद की लोनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गोकसी करने वाले 4 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसकी सूचना पर गोकसी करने वाले मोमिन मोहिन शकील गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से गोकशी में प्रयुक्त औजार रस्सी चाकू लोडर टेम्पो पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पहले भी गोवंशों की हत्या जैसे संगीन धाराओं में मोमिन जेल जा चुका है। अब इस शातिर बदमाश ने अपना पूरा गैंग सक्रिय कर क्षेत्र में गोकशी करने का गोरख धंधा कर रहा था। ये 3:45 की रात्रि में चौकी डाबर तालाब क्षेत्र में एक गोकशी की घटना हुई थी। मुकदमा लिखा गया था, उस सिलसिले में हमारी पुलिस टीम अलर्ट थी, हम लोग चेकिंग कर रहे थे। कल 10 तारीख को रात्रि में 9 बजे के करीब एक करबला के पास अलवी नगर से 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बातों में बदलाव किया, हड़बड़ाए। पूछताछ में पता चला कि ये शातिर किस्म के गो तस्कर हैं, गोवंश के अपराधी हैं और इन पर पहले भी मुकदमे हैं। इनको गिरफ्तार किया गया, इनके कब्जे से एक लोडर गाड़ी और 3 रस्सियाँ चाकू ये सारे सामान गोकसी के बरामद किए गए। बहुत अच्छा गुडवर्क हुआ है। इसमें जो 4 अपराधी गिरफ्तार किए हैं, मोमिन पुत्र भूरा है, ये मूलतया मुजफ्फरनगर का रहने वाला, यहाँ लोनी में रह रहा था। दूसरा मोहिन है, शकील है और गयासुद्दीन है। गयासुद्दीन पहले भी हत्या में जेल जा चुका है।